हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्केस गेमिंग। आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि आज बहुत ओपी अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे 220 एचपी यहाँ पे मिल गया है। तो मेरे को एक्स्ट्रा जो है 20 एचपी यहाँ पे कैसे मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही नया अपडेट आ चुका है फ्री फायर का, सभी लोगों को पता है। तो इस अपडेट को एक छोटा सा अटैचमेंट दिया गया है जिसका नाम है बेस्ट एचपी बूस्टर। और ये वाला छोटा सा अटैचमेंट कैसे लिगुटा और जोटा कैरेक्टर पर भारी पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वरना आप लोग को कुछ में नहीं आएगा। तो ऐसे फ्री फायर रिलेटेड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट एचपी बूस्टर क्या है। तो बेस्ट एचपी बूस्टर दरअसल एक अटैचमेंट है, नया फ्री फायर अपडेट के बाद आया है। ये वाला अटैचमेंट अगर आप यूज करेंगे तो आप लोग को 20 एचपी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो नॉर्मली आप लोग के पास 200 एचपी रहता है, अगर आप ये अटैचमेंट यूज करेंगे तो 20 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप लोग के पास अभी टोटल हो जाएगा 200 + 20, तो आप लोग को 220 एचपी दिखाई देगा। तो अभी मैं आप लोगों को सीधा गेम प्ले के अंदर लेके चलता हूँ। तो गेम प्ले के अंदर मैं आ चुका हूँ और आप लोग को कुछ इस तरह वेस्ट एचपी बूस्टर गेम के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है वेस्ट एचपी बूस्टर, और इस तरह से आप लोग को वेस्ट एचपी बूस्टर दिखाई देता है। और ये वाला जो है वेस्ट एचपी बूस्टर ओनली वेस्ट के साथ यूज किया जाता है, नाम से ही पता चलता है कि वेस्ट एचपी बूस्टर, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे पास है वेस्ट लेवल 3, तो आप किसी भी वेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वेस्ट लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4, ठीक है। और जैसे ये वाला इक्विप करोगे 20 एचपी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। रुको जरा, सबर करो। अगर आपके पास बेस नहीं है तो ये वाला अटैचमेंट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये अगर आपके पास बेस नहीं है तो ये वाला अटैचमेंट आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं ये वाला आप लोग को दिखा देता हूँ इक्विप करके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी मैं ये वाला इक्विप कर लूंगा। तो जैसे इक्विप किया, ओ भाई साहब, 20 एचपी एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब 220 एचपी एक्स्ट्रा हो गया। तो अभी मैं ये वाला जो है स्लो मोशन के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें स्लो मोशन आ गया। तो अभी हम लोग ये वाला इक्विप करेंगे, और जैसे ही किया भाई साहब, 20 एचपी एक्स्ट्रा बढ़ गया, बहुत ओपी है। और यहाँ से मैंने जैसे ही नीचे उतरा तो मेरे को जो है डैमेज यहाँ पे पड़ा, और डैमेज पड़ने के बाद जो है 20 एचपी जो है एक्स्ट्रा ये वाला नहीं घटा। इसका मतलब ये है कि एक बार इक्विप करने के बाद जो एक्स्ट्रा 20 एचपी है वो नहीं जाएगा, और जितना भी डैमेज खाओ 20 जो है रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और मेडिकेट मरने के बाद फिर से वही 220 हो जाएगा। इक्विप करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह बैक पे अगर क्लिक करोगे तो आप लोग को कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट लेवल 3, और वेस्ट लेवल 3 के ऊपर में कुछ अटैचमेंट है जो है हम लोग का वेस्ट एचपी बूस्टर। और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इक्विप ऑन योर वेस्ट टू इंक्रीज एचपी। तो आप लोगों को कुछ इस तरह यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप लोग ये वाला अटैचमेंट यूज नहीं करना चाहते है तो जो वेस्ट लेवल 3 दिखाई दे रहा है वहाँ पे कोने पे जो येल्लो की तरह दिखाई दे रहा है अटैचमेंट, वहाँ पे क्लिक करके जो है साइड में ड्रॉप हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग ये वाला जो है यूज नहीं करोगे, और आपका जो है एचपी फिर से वही 200 पे नॉर्मल पे आ जाएगा। और मैं आप लोग एक चीज बता देता हूँ कि आप एक ही एचपी बूस्टर यहाँ पे यूज कर सकेंगे, और 20 एचपी से ज्यादा आप लोग का एचपी नहीं बढ़ेगा। आप भले ही 1, 2, 3, 4 एचपी क्यों ना आप इक्विप कर ले, लेकिन आप लोगों का 20 से ज्यादा एचपी नहीं बढ़ेगा, और आप लोग एक ही एचपी बूस्टर यूज कर पाएंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। और ये छोटा सा जो अटैचमेंट है ये दो कैरेक्टर को टक्कर दे रहा है, एक जोटा और एक लुगुटा। तो जोटा में क्या होता है कि एनिमी को नॉक डाउन करने के बाद 10 एचपी बढ़ता है, और लिगुटा में एनिमी को किल करने के बाद, ठीक है। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, या फिर एनिमी को नॉक करना है और या फिर एनिमी को किल करना है। लेकिन इस वाले छोटे से जो अटैचमेंट है इसमें ना ही किल की जरूरत है ना ही नॉक डाउन करने की। यहाँ पे आप लोग 10 अटैचमेंट वेस के साथ यूज करना है और बस 20 एचपी आप लोग को आसान से मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है जो रैंक गेम में एनिमी को किल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो और आप लोगों को एनिमी को किल करने के बाद ही आप लोगों को जो है मतलब एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा। तो यहाँ पे इसका कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट आपको यूज़ करना है वेस्ट कर, बस नॉर्मली 20 एचपी बढ़ गया। तो ये बहुत ही आसान है ये वाला यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो टक्कर मतलब इस जो कैरेक्टर के साथ ये वाला जो है बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा है ये जो स्मॉल अटैचमेंट। तो कोई बोलेगा कि भाई ओनली 20 एचपी, भाई 20 एचपी बहुत होता है। अगर आपको कोई हेडशॉट देगा तो आप आसानी से बच सकोगे, क्योंकि नॉर्मली 200 एचपी होता है, तो आपको 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बचने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी मैं उसे ही मेरे को हेडशॉट दिया था, गेम प्ले में एक हेडशॉट दिया था, तो उसी को मैं अभी आप लोग के सामने दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लास्ट जोन में आ गया हूँ, और दो बंदा बचा है, मैं और एक एनिमी। तो मैं यहाँ पे खड़ा था, लेकिन अचानक से उस एनिमी ने मेरे को हेडशॉट दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते बहुत तगड़ा डैमेज, 1 एचपी बचा है भाई, 1 एचपी, लेकिन ये मैं बच
गया क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा जो 20 HP था, इसी कारण मैं यहाँ पे जो है बच गया। ठीक है, नॉर्मली 200 अगर HP होता मैं कब का टाटा बाइबो हो चुका था, लेकिन मैं यहाँ पे बच गया क्योंकि मेरे पास जो है 20 एक्स्ट्रा HP था। तो बहुत OP वाला अटैचमेंट में आप ये वाला यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा HP होने के कारण हम लोग का जो बचने का चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है और हम लोग ये मैच भुया करने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं बता देता हूँ, ये OP वाला अटैचमेंट आया है, आप भी ये वाला यूज़ करो और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट सेक्शन में बता कि आप लोग का ये वाला जो है बेस्ट HP बूस्टर अटैचमेंट कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम में देखना चाहते हो तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस ऐसे ही फ्री फायर इवेंट और टिप और टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना किस तरह में वीडियो चाहते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल।